द साइंटिफिक मैथड थीरी स्टूडेंट्स ये साइंटिफिक मैथड के अंदर थी जो है वो थर्ड स्टेप बनता है द फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम किसी भी साइंटिफिक इशू के मुतल जो है वो इंफॉर्मेशन कोलेक्ट करते हैं दैन उस इंफॉमेसन के, रोशन के रोशनी में ऑब्जर्वेशन की रोशनी में एक हाई पॉथ्स डिज़ाइन किया जाता है जो कि किसी भी चीज़ का एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है हाई पॉथ्स बहुत सारे हाई पॉथ्स जो है इनकोरेक्ट हो जाते हैं और वेरी फ्यू हाई पॉथसेस होते हैं जो सर्वाइव करके आगे जा अगली स्टेज के ऊपर आते हैं तो हाई पॉथसेस के बाद साइंटिफिक मेथड की जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ द थीरी सबसे पहले हम इसके कॉन्टेंट्स देखते हैं कि थीरी के अंदर हमें कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो आएंगी डिफाइनिंग थीरी थीरी की डेफिनेशन क्या है देन फॉर्मेशन ऑफ अ थीरी थीरी डिज़ाइन कैसे की जाती होती है उसकी कौन कौन सी उसकी बेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं देन क्राइटेरिया ऑफ आ थी एक थीरी होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए द फर्स्ट वन डिफाइनिंग आ थीरी थीरी बेसिकली इट इज एन टेस्टेड इट इज़ अ टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड मॉडल दैट हेल्प टू एक्सप्लेन द नेचुरल फैक्ट्स तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो ये क्या कर रहा कि जो नेचुरल फैक्ट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ इसमें दो चीज़ें हैं हाइपोथेसिस के अंदर हम जो ऑलरेडी एक इशू है उसको डिस्कस कर रहे हैं जबकि थीरी के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स और जो इससे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो भी थीरी के अंदर एक्सप्लेन होते हैं इसलिए हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं कि इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन एंड प्रीडिक्ट द नेचुरल फैक्ट्स कि जो ऑलरेडी इशूज़ मौजूद है उनको एक्सप्लेन कैसे करता है उनका सोल्यूशन क्या है और इससे रेलिवेंट आने वाले इशूज़ की एक्सप्लेशन क्या होगी वो थीरी के अंदर जो है हमें मिलती है तो थीरी बेसिकली एक जनरलाइज टर्म है जनरलाइज इन अ सेंस कि वो एक बहुत ब्रॉड जो है एस्पेक्ट को कवर करती है किसी भी इशू के जबकि एक कॉमन टर्म्स जो होती हैं वो थीरी के मुकाबले में नहीं आती थी। चूंकि थीरी का एक विजन है वो बहुत सारे नेचुरल इफेक्ट्स को जो है वो एक्सप्लोर कर रही होती है एक्सप्लेन कर रही होती है थिरी की डिज़ाइनिंग कैसे होती है थीरी को कैसे फार्मूलेट किया जाता है थीरी के जैसे मैंने शुरू में बताया कि थी बेसिकली थर्ड स्टेप है साइंटिफिक मैथड्स के अंदर तो ऑब्जरवेशंस देन हाई पोथसिस जो बहुत अच्छे में बहुत सारे हाई रिजेक्ट हो जाएंगे जो हाई पोथिस सर्वाइव कर सकेंगे कोई एक हाई होगा जो बहुत एक्सप्लेनेटरी होगा बड़ा अच्छा होगा अब जो हाई है वो आगे उसने थीरी की फॉर्म अटेन करनी है लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट ये हैं कि वो हाई सिर्फ जिस साइंटिस्ट ने उसको पेश किया है प्रिडिक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ वही साइंटिस उसको फॉलो ना करे उसको ना माने बल्कि वो बहुत सारे और साइंटिस्ट भी उसको क्या करें कि उसकी एक्सप्लेशन जो एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन करें और उसकी नेचर जो है उसको एलेबोरेट करें तो इसके लिए इसीलिए कहा जाता है कि एक हाई जो सक्सेसफुल हाई प्रोसेस है उसको पब्लिश होना ज़रूरी है जब वो पब्लिश होगा तो वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया के अंदर जो scientific journals है वो चूँकि साइंटिफिक जर्नल्स हैं जब डाटा पब्लिश होगा सारी दुनिया में जो है वो सर्कुलेट होगा तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं कि वो इस हाई प्रोसेस को क्रिटिकली देखेंगे अगर एक हाई प्रोसेस रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद भी करेक्ट है और उसके साथ साथ वो बहुत सारे और हाई पॉथ्स हैं जो उस हाई पॉसिस को सपोर्ट कर रहे हैं तो देन दैट हाई पॉसिस अटेन द शेप ऑफ अ थीरी तो फिर हम उस हाई पॉथ्स जो है उसको नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ले जाएंगे यानी वो थीरी की स्टेज पर आ जाएगा जी अब जो थीरी है एक हाई पॉसेस जब की फॉर्म अटेन कर रहा है तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं क्राइटेरिया है उसका कि किस जो था वो जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स जिसको हम कह सकते हैं या क्राइटेरिया कह सकते हैं थीरी के उसमें यह है कि फर्स्ट वन द थीरी इट शुड बी ऑब्जर्वेबल यानी अगर एक थीरी है तो उसको सम हाउ उसको ऑब्जर्व उसके रिजल्ट्स ऑब्जर्व होते हूँ पता चलता हो कि हाँ जी ये थी जो है ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही है और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स भी इसी चीज़ को जो है वो शो कर रहे हैं रिपीटेबल जो एक थीरी किसी भी साइंटिस्ट ने जब उसको एक थीरी जो है वो पेश की जाती है तो ज़रूरी है कि जो उसको हम रिपीटेडली वेरीफाई कर सकें चूंकि साइंस के अंदर चीज़ ही वही है साइंस नाम ही फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने का है तो इसलिए जो चीज़ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होगी यही थीरी की बेसिक पहचान के वो रिपीटेबल होना चाहिए कि अगर एक ने थीरी पेश कर दी तो बाकी साइंटिस्ट उसको रिपीट करके कह सकें येस दिस इज द करेक्ट थीरी थर्ड इसकी करेक्ट में यह है कि इट शुड भी प्रिडिक्टिव एक्सप्लेनेटरी यानी कि थीरी की एक तो वो स्पेसिफिक इशू को डिस्कस करती है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे रेलिवेंट बाकी इशूज़ को भी क्या करते हैं वो एक्सप्लेन कर रही होती है तो यूँ समझ लें कि एक थीरी फ्यूचर के आने वाले अंदर फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे इशूज़ को पहले से एक्सप्लेन कर रही होती है दैट इज़ हैविंग एक्सप्लेनेटरी विजन जी थीरी की एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें फिज़िक्स और केमिस्ट्री की नस्बत बायोलॉजी के अंदर हमें थीरीज जो है वो अगर हम देखें तो इसमें काम कम थीरीज़ मिलती हैं थीरी उसकी रीज़न ये है कि जो बायोलॉजी के अंदर जो लाइफ है ये बड़ी वर्स्टाइल है तो वर्स्ट वाले उनका मतलब है कि आप किसी जगह एक चीज़ को रूल को लागू नहीं कर सकते हैं हमेशा आपको कोई ना कोई बीच में एक वेरिएशन मिल जाती है जैसे पहले मैं फ़िश की बात करूँ फिश के अंदर हम सबको पता है गिल्स होते हैं लेकिन अगर आप लंग फिश को ले लें लंग फिश में तो लंग्स हैं तो अगर आप ये क्राइटेरिया रखेंगे कि फ़िश के अंदर ये दे थीरी देते हैं कि आल फिश हैव गिल्स तो लंग फिश तो उससे निकल जाएंगी यही वजह है कि बायोलॉजिकल साइंस में थीरीज़ का नंबर बहुत कम है जैसे अबतः कुछ थीरियाँ जो बहुत फेमस हैं जैसे थिरी ऑफ़ एवोल्यूशन डार्विन की थीरी जो है हमारे पास जो है वो एक है उसको हम पढ़ते भी हैं